अतुल लोंडे पाटिल, पहले जरा बंगाल चुनाव के रिजल्ट, क्योंकि वहां आपने गठबंधन किया नहीं, आप राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं, पंचायत चुनाव में नहीं हुआ। आपको लगता है अगर गठबंधन हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता और ज्यादा बड़ी हार होती बीजेपी की, विपक्ष की बड़ी जीत होती? सर पहले तो जफर भाई, लव यू जफर भाई, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा और मैं कुछ बुरी बात भी नहीं कहूंगा। मैं अपने दल की, अपने पार्टी की, अपने विचारधारा की बात कहूंगा, तो आप चिंता ना करें। दो दो बार नाम लिया, इतना भी डर ठीक नहीं है। हम लोग बहुत प्यार मोहब्बत वाले और अहिंसक लोग हैं। अब देखिए, जहां जहां बीजेपी को कदम जमाने होते हैं वहां वहां बीजेपी हिंसा फैलाती है। केरला में कौन हिंसा फैलाती है? तो केरला का जो मॉडल है वही वेस्ट बंगाल में मॉडल करने की कोशिश की गई। जब विधानसभा के चुनाव थे तो विधानसभा के चुनाव में मालदा वगैरह जो क्षेत्र में इनकी रैलियां हुई और रैलियों में जो हिंसा हुई, तो जहां जहां इन्हें मौका मिलता है तो पेरीफेरी में जाएंगे। जहां हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन है वो पेरीफेरी में बराबर हिंसा फैलाएंगे, वहीं पर इनका बजरंग दल का बोर्ड दिखेगा, वहीं पर विश्व हिंदू परिषद का बोर्ड दिखेगा और ये हिंदुस्तान के हर इलाके में दिखाई देगा। जफर भाई मानेंगे नहीं लेकिन ये सच्चाई है, और मैं अगर चाहो तो मैं मानक भाई को लेकर निकलता हूं और दिखाता हूं। हम जहां जहां भी घूमते हैं तो हमें पता चलता है कि पेरीफेरी में किस तरह से मतलब चुनाव कह रहे हैं बंगाल में जो हिंसा हुई उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है? बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। टीएमसी जिम्मेदार नहीं है? देखिए, पहले तो मैं किसी भी तरह का हिंसा का समर्थन नहीं करता। जो भी हिंसा हुई, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, मैं उसका निषेध करता हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल अगर गलत सिद्ध होते हैं तो मुझे बताइए आप, 2014 के बाद ही हिंसा कैसे होती है? मुझे बताइए आप, जब आपको विधानसभा चुनाव में जाना होता है, जहां जहां रैलियां आपकी होती है उसके पहले क्या कैसे वहां हिंसा होती है? चुनाव में तो लेकिन बंगाल में ही होती है अतुल लोंडे पाटिल, आपको भी पता है, आप भी जानते हैं, बंगाल जैसी हिंसा, चुनावी हिंसा और किसी राज्य में नहीं होती है। देखिए, मैंने पहले कहा, मेरी पार्टी, मेरा दल, मेरी विचारधारा किसी भी हिंसा का समर्थन करती नहीं है। साफ शब्दों में कह, लेकिन आपने टीएमसी को क्लीन चिट दे दिया, आपने कहा बीजेपी से हिंसा होती है। मैंने किसी को क्लीन चिट नहीं दी, मैं तथ्यों पे बात करता हूं मानक जी, आपको पता है। मैंने केरला का भी उदाहरण दिया आपको, किस लेवल पर जाकर हिंसा होती है और किस स्तर पर जाकर ये मारामारी होती है। क्या हम भी तो वहां अलग लड़े हैं ना चुनाव और लड़ते आ रहे हैं, गठबंधन क्यों नहीं हो पा रहा है? गठबंधन क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, जहां तक लोकल बॉडीज की चुनाव है, कार्यकर्ता पार्टी में काम करता है उसके चुनाव होते हैं, वहां पर भी गठबंधन करके उसे उसका जो मौका है एक राजनीति में, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन देने का, वो मौका भी छीन लेंगे तो वो गलत है। तो कांग्रेस पार्टी का ये निर्णय है महाराष्ट्र में भी कि जो लोकल बॉडीज के चुनाव है, लोकल बॉडीज के चुनाव में अगर वहां का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो संगठन, जहां शहर का, गांव का, पंचायत का, वो संगठन अगर चाहता है कि चुनाव जो है वो हम गठबंधन में लड़े तो ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा जाए तो लड़ा जाए, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है, नेताओं से ज्यादा। तो यही तो आपके साथ समस्या है अतुल भाई, यही तो हो रहा है। आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली और पंजाब की यूनिट कह देती है गठबंधन नहीं होगा, पश्चिम बंगाल की यूनिट कहती है टीएमसी से गठबंधन मत करो, तो यही तो आके राष्ट्रीय दल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है वो फंस जाती है। नहीं नहीं नहीं, इसमें फंसने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव ये अलग चुनाव है, मैंने लोकल बॉडीज की बात की। विधानसभा के चुनाव है और लोकसभा के जो चुनाव है वो राष्ट्रीय स्तर पर उसका निर्णय होता है, और मुझे पूरी आशा है, मैं जानता हूं क्या डिस्कशन हो रहे हैं, मुझे पूरी आशा है कि ये 25 की बात कर रहे हैं, मैं इनको दावे से कहता हूं 3-4 सीट भी अगर ये जीत जाएंगे ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। महाराष्ट्र में तो सफाया हो रहा है, हर चुनाव हार रहे हैं। जवाब ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कुछ अलग बात कर रहा हूं, हर चुनाव हार रहे हैं। नागपुर में तो सारे चुनाव हार गए। तो इसीलिए जो है पार्टियां तोड़ना, और पार्टियां तोड़ना नहीं, अभी तो पार्टियां चुराने का काम कार्यक्रम चालू, पार्टी की पार्टी लेके भाग जाओ, तो ये कार्यक्रम। ओके, जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं, उसके बाद जा रहा हूं आगे सुनील साजन और मृत्युंजय तिवारी के पास। बोलिए जफर इस्लाम। देखिए, जब वैसे तो बहुत बार इनको बोला है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो है बहुत बोलते हैं, परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, खाली हाथ खाली बर्तन जैसे हंगामा करते रहते हैं। सुनो, एक मिनट, अभी तक बीच में नहीं बोलते। अरे भाई, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी, टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी, सफाया। एक मिनट सुनिए, अभी अभी आपको ऐसा बात बोलना पड़ेगा किसको मालूम है? अतुल भाई, एक एक करके समझ नहीं आएगा, दोनों बोलेंगे तो एक एक करके। नहीं, मैं तो बीच में नहीं बोलता भाई, लोगों को समझना चाहिए, ऐसा यहाँ कोई फाइटिंग थोड़ी हो रहा है। आप सुनिए ना मेरी बात, मैं आपकी बात ही सुन के बोल रहा हूँ। अभी देखिए क्या होगा,
ये सब तक जब जितने ताकत अपनी बता रहे हैं, ठीक है बताइए, बगल में जो बैठे हुए हैं जो समाजवादी पार्टी, उन्होंने क्या कहा आपके बारे में कि भाई यूपी छोड़ना पड़ेगा, हमारे साथ लड़ नहीं सकते, इसलिए कंधे पे आते हैं तो हमको, हम तो डूबेंगे समझ, तुझे भी ले डूबेंगे, वैसा हो गया इनके साथ। तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश भाई ने क्या बोला आप सबको पता है, वो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस वहां से निकल जाए, वेस्ट बंगाल से ममता नहीं चाहती है, बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत राहत दे के रखा मृत्युंजय तिवारी जी की पार्टी, इसलिए कि उनके भी जो नेता है उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं वो उनका मतलब, आज आप पता है कि उनपे सीबीआई का ये है तो करप्शन केस का, तो उसको लग रहा है कहीं नहीं रहे, तो इसलिए कांग्रेस का थोड़ा साथ रहेगा, इस चक्कर में कांग्रेस का साथ दे रहे, नहीं तो वो भी कहते भाई बाहर रहो, कांग्रेस लड़ेगी कहां से, नहीं कांग्रेस लड़ेगी हर प्रदेश में, जो भी पार्टियां रीजनल पार्टी वो कांग्रेस से ही टूट के बनी है, कांग्रेस के खिलाफ रह के बनी है, ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लेके बढ़ी है, सुन लीजिए जरा भी, ये सारी पार्टियां है ना जो, चाहे मृत्युंजय जी की पार्टी है चाहे सुनील जी की पार्टी है, ये सारी पार्टियां कांग्रेस के ही खिलाफ लगी है, कांग्रेस के खिलाफ लड़के बढ़ी, बीआरएस नहीं आया आपकी मीटिंग में, आपके मीटिंग में जेडीएस नहीं आया, आपकी मीटिंग में जयंत चौधरी नहीं आए, आपकी मीटिंग में ऐसे कितने लोग नहीं आए, इसलिए नहीं आया ना जफर भाई, एक सेकेंड, वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उन पर तो आपकी नजर है, क्योंकि आप उनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भी पता है गठबंधन से ही गठबंधन का मुकाबला हो पाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, वही बता रहा हूं, ये इसलिए नहीं आए मानक जी कि इनकी, इनका वजूद कांग्रेस के खिलाफ ही है, आज सीआरएस से बोल दीजिए, बीआरएस से बोल दीजिए कि भाई आप आ जाओ कांग्रेस के साथ, सारे कार्यकर्ता उससे हट जाएंगे, इसलिए कि उनकी लड़ाई उनसे जिंदगी भर उसी हुई है, आप रालू यादव तो आप कह दीजिए आप नहीं लेंगे उनको, आप कह दीजिए आप नहीं लेंगे उनको एनडीए में शामिल नहीं करेंगे, देखिए हम हमारा हमारे लेने और लेने की बात नहीं है, क्या इनके साथ वो खड़े रहेंगे, खड़ा करेंगे, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जितना अतुल भाई बता रहे अपनी तारीफ कर रहे हैं, अच्छी बात है, बात कीजिए नागपुर की बात कीजिए, लेकिन कानपुर की भी तो बात कीजिए, क्या आपको जगह दे रहे हैं कानपुर में, क्या आपको दे रहे हैं? सुनील साजन और मृत्युंजय तिवारी, सुनील साजन मृत्युंजय तिवारी, अच्छा अतुल भाई जल्दी बोलिए जल्दी से क्विकली, इन्होंने सपा ये करने वाली है, टीएमसी ये करने वाली है, आरजेडी का ऐसा सब बता दिया, लेकिन मोदी जी ने तो कहा जितनी भी परिवारवादी पार्टियां है वो भ्रष्टाचारी है और सबको जेल में जाना पड़ेगा। ओके, अभी इस पर जवाब दूंगा, थोड़ी देर में लौट के आऊंगा।